वेलकम क्लास, आज का आपका टास्क है कि आपको एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें कुछ प्रोफेशंस होंगे, आपको सिलेक्ट करना है कि अपने लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं। गुड लक। मेरी लिस्ट के मुताबिक मैं शेफ, टेलर या फिर स्कूल टीचर बन सकती हूँ, पर मैं तो अपने आप को इनमें से किसी भी प्रोफेशन में इमेजिन नहीं करती। स्कूल टीचर, अरे नहीं, मुझे तो डॉक्टर बनना है। सबकी सेवा करनी है, सबका प्यार से ध्यान रखना है, मैं तो डॉक्टर बनना चाहूंगी। अरे मेरे पास तो ये तीन ऑप्शन है, डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट। डॉक्टर नहीं, मेरा ऐसे बायोलॉजी पढ़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं तो अपनी लाइफ में शेफ बनना चाहता हूँ, बहुत ही टेस्टी खाना बनाकर पूरे देश में अपना नाम बनाना चाहता हूँ। मैंने अभी अभी सुना कि तुम्हारी लिस्ट में डॉक्टर का प्रोफेशन है। हाँ बिल्कुल, मैं वो बनना चाहती हूँ। अरे और मैं शेफ बनना चाहता हूँ, तुम्हारी लिस्ट में शेफ का ऑप्शन है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लिस्ट को एक्सचेंज कर लें? अरे वाह, ये तो बढ़िया हो जाएगा, हम अपनी अपनी लिस्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं, इससे दोनों के काम बन जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे वाह, अभी इस एक्ट में इन दो बच्चों ने जो किया उसे देखकर तो मजा ही आ गया। वैसे सोचने वाली बात है ये फ्रेंड्स, कि अगर ये दो बच्चे इतनी आसानी से अपने बीच की इनइक्वालिटीज को दूर कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं। आज जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पर डाइवर्स पॉपुलेशन है ग्लोबलाइजेशन के कारण। ऐसी पॉपुलेशन है जो जेंडर, रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर एक दूसरे से काफी अलग है। अगर दोस्तों हम सब एक दूसरे को सोशल डिफरेंसेस के बेसिस पर ना देखकर बल्कि ह्यूमंस या फिर रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस के रूप में देखें तो चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। हमारे नेशन में प्रोग्रेस बहुत तेजी से होगी, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना आसान बन जाएगा, हम सब एक साथ खुशी से रहने लगेंगे। फ्रेंड्स, सच्चाई तो ये है कि हम सब ये चाहते हैं, परंतु ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, सोशल डिविजन्स हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि हमारे नेशन में बरसों से प्रेजेंट है। यही कारण है कि ऐसे आइडियोलॉजीज में बदलाव लेकर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, हमारे नेशन की गवर्नमेंट बहुत से ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे सोसाइटी में बदलाव लाया जा सके, परंतु अभी भी हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, सिविक्स का ये जो चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये इन्हीं सब बातों पर बेस्ड है। इस चैप्टर से हमें डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कैसे जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर आज सोसाइटी डिवाइड हो गई है, कैसे ये सोशल डिफरेंसेस हमारी पॉलिटिक्स को इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारी गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को ओवरकम कर रही है। दोस्तों, मैं आपको ओवरऑल यही कहूंगी कि ये जो चैप्टर है ये काफी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। इस चैप्टर में आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि हम डिफरेंट लेक्चर्स में हर एक कॉन्सेप्ट की डिटेल तक जाएंगे। आप इस चैप्टर को समझने के बाद रियल लाइफ को एक अलग ही नजरिए से देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस चैप्टर को काफी अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये चैप्टर आपकी लाइफ में काफी काम आने वाला है। जानते हैं इस चैप्टर को समझने के बाद, हर एक लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम एक समराइज्ड वे में इस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे। एंड इन फैक्ट, रिवाइज करने के बाद तो आप सबके लिए फ्रेंड्स पैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स, स्पेशल टिप वीडियोस और प्रैक्टिस पेपर्स भी अवेलेबल है। आप सबको हम सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको अपनी नॉलेज पर पूरा भरोसा हो जाए और आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। तो फिर चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज, लेट्स बिगिन द जर्नी। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTAC ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द ऐप नाउ।